ब्यावर जिला गठन के बसदर थाना पुलिस ने पहली बार शुक्रवार को एक कार्यवाही को अंजाम देते हुए करीब 5 लाख रुपए कीमत का अवैध डोडा चूरा सहित एक तस्कर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना अधिकारी सूर्यभान सिंह के नेतृत्व में की गई उक्त कार्यवाही में एक i20 कार भी जब्त की गई है, जबकि जिस पर 2 अलग अलग नंबर की नंबर प्लेट लगी हुई थी। गिरफ्तार डोडा तस्कर विश्नोयो किधानी हिंगोनिया पीपार जोधपुर निवासी 21 वर्षीय पिंटू पुत्र पुखराज विश्नोई अवैध डोडा चूरा भीलवाड़ा जिले के बिगोद कस्बे से लेकर आ रहा था, जिसे जोधपुर में सप्लाई किया जाना बताया जा रहा है। तस्कर की गिरफ्तारी तथा डोडा चूरा जब्ती के बाद मामले की जाँच विजयनगर SHO दिनेश चौधरी को सौंपी गई है। सदर थाना अधिकारी सूर्यभान सिंह के अनुसार शुक्रवार सुबह दौरान गश्त सूचना मिली थी कि विजयनगर रोड पानी की टंकी के पास एक i20 कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। हादसे की जानकारी पे वे स्वयं तथा हेड कांस्टेबल सुखराम सुखपाल मनोहर हरेंद्र सुखाराम बलवीर तराजुराम के साथ घटनास्थल के लिए रवाना हुए। सिंह ने बताया कि मौके पर पहुंचने पर पाया कि एक i20 कार सड़क किनारे खड़ी है, आसपास में कुछ लोग भी खड़े थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ को मौके से हटाया तो पाया कि कार में एक युवक बैठा हुआ है। पुलिस ने कार में बैठे युवक को कार से बाहर निकालकर उससे तसल्ली से पूछताछ की और कार की तलाशी ली तो कार में काले रंग के 11 कट्टे रखे हुए हैं। पुलिस ने कट्टों को खोलकर देखा तो पाया कि कुल 11 कट्टों में अवैध डोडा चूरा भरा हुआ है। इस पर पुलिस ने कट्टों को जब्त कर थाने पहुंचाया, साथ ही i20 कार को भी जब्त किया गया। पुलिस ने कार पर लगी नंबर प्लेट की जांच की तो पाया कि कार के आगे तथा पीछे 2 अलग अलग नंबर की प्लेटें लगी हुई है, जिसमें एक प्लेट पर RJ47TA0321 तथा दूसरी पर RJ09CD1777 नंबर लगे हुए हैं। पुलिस ने दोनों नंबर प्लेटों की ऑनलाइन जांच की तो पाया कि दोनों ही नंबर फर्जी है। पुलिस जब्तशुदा 11 कट्टों में भरे डोडा चूरा के थाने लाकर तुलाई करवाई तो उनका कुल वजन 194 किलो पाया। पुलिस के अनुसार कुल माल की अनुमानित बाजार कीमत 5 लाख करीब है। पुलिस ने डोडा चूरा तस्कर के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कि एक वाहन है i20 जो विजयनगर रोड पर पानी की टंकी के पास बाबा रामदेव जी मंदिर के सामने दुर्घटनाग्रस्त होकर रोड किनारे हैं और काफ़ी लोग इकट्ठे हो रखे हैं। आधे इतला पर हम लोग मौके पर पहुँचे, वहाँ पर भीड़ को अलग किया, वो कार को चेक किया तो कार के अंदर एक व्यक्ति बैठा था जिसका नाम पिंटू विश्नोई है, जो विश्नोई की ढाणी हिंगोनियों का रहने वाला है, जो पिपाड़ सिटी पुलिस थाने में पड़ता है। उसको नीचे उतार कर तसली से उसे पूछताछ की तो उसने कार के अंदर अवैध अफीम डोडा पोस्त के बोरे भरा होना बताया, जिसको चेक किया। चेक करने पर कुल 11 बोरों में 194 किलो और 150 ग्राम अवैध अफीम डोडा पोस्त पाए गए, जिन्हें वहीं मौके पर ही कार्रवाई की गई। उसे इस NDPS प्रकरण में गिरफ्तार किया गया, प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है और तफ्तीश SHO विजयनगर दिनेश कुमार के नाम की गई है। आम सूचना, व्यावसायिक भूखंडों को भव्य नीलामी से क्रय करने का सुनहरा मौका। नगर परिषद ब्यावर द्वारा समय प्रातः 10 बजे से सायं 5 बजे तक ट्रांसपोर्ट नगर व्यावसायिक योजना के निम्नलिखित भूखंडों को ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया द्वारा विक्रय किया जाएगा। नाम योजना व आरक्षित दर, ट्रांसपोर्ट नगर व्यावसायिक योजना आरक्षित दर 7,242 रुपए प्रति वर्ग मीटर, व्यावसायिक भूखंड संख्या 24 से 28, क्षेत्रफल 4.5 मीटर × 9 मीटर बराबर 40.5 वर्ग मीटर, प्रारंभिक बोली 25,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर, अमानत राशि 30,000 रुपए। अतः जो भी व्यक्ति उक्त नीलामी में भाग लेना चाहते हैं वो पोर्टल जो स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उस पर रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन कर ऑनलाइन अमानत की राशि जमा करवा कर ई नीलामी में भाग ले सकते हैं। नीलामी राजस्थान नगर पालिका नगरीय भूमि निष्पादन नियम 1974 के अनुसार की जाएगी। ई नीलामी की शर्तें पोर्टल पर जो स्क्रीन पर दिख रहा है उस पोर्टल पर देखी जा सकती है। आयुक्त नगर परिषद ब्यावर।